हाय एवरीवन, दिस इज इंदुदैया और मैं वीडियोस बनाती हूँ फेस मसाज, फेस योगा और एंटी एजिंग को लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप मॉर्निंग स्किन केयर से, सिर्फ मॉर्निंग स्किन केयर से भी आप अपनी स्किन को कैसे हेल्दी और ग्लोइंग और रेडिएंट बना सकते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर का ना हमारे स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। हमारे आजकल वैसे भी गर्मियां चल रही हैं, बहुत सारी स्वेटिंग होती है, इतने सारा इट्स लाइक हम बाहर जाते हैं, डर्ट होता है, ऑफिस में जाते हैं और इतना सारा पोल्यूशन हम लेकर आते हैं। तो मॉर्निंग की जो स्किन केयर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन को क्लियर रखने में। फाइन, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि फेस मसाज के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप मॉर्निंग में अगर अच्छे तरीके से आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से अगर आप इन फेस मसाज के स्टेप को यूज करते हैं तो आप अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग स्किन केयर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या अगर आपके फेस पर कुछ सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। फाइन, अब मैं मसाज स्टार्ट कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। और अगर आप मॉर्निंग में ही मेरी वीडियोज देख रहे हैं या आफ्टरनून में देख रहे हैं तो आप ट्राई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसके जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो कैसे लगते हैं, आपकी स्किन पर आपको फ्रेशनेस कैसे फील होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हैंड से ऐसे मसाज करनी है, नीचे के साइड में, यहां ये वाली साइड से लेना है और नीचे की तरफ लेना है ऐसे। अभी मैं आपको 5 to 7 टाइम करके दिखा रही हूं, आप 15-20 टाइम्स भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको ऐसे सीजर बना लेना है अपने हैंड का और ऐसे पीछे लेके जाना है ईयर के पीछे इसको। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मसाज है ना, इससे आपके जो एंटी एजिंग के साइन आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, या जो डबल चिन भी मैं बता देती हूँ आपको, जिनके डबल चिन है उनको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फाइन, अब आपको क्या करना है, ऐसे ये वाला थंब लेना है ऐसे करके और इसको ऐसे पीछे लेके जाना है ऐसे, लाइक दिस। इट्स लाइक आपको ऐसे हैंड बना लेना है, आधी ये जो मुट्ठी हम बनाते हैं ये, और ये आपका थंब इधर आएगा और ऐसे इसको आपको पीछे लेके जाना है। जितने भी ये स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपको फेस लिफ्ट करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे अपने हैंड, इसमें दोनों हैंड का यूज होगा, ऐसे इसको ऊपर ऐसे, और मेक श्योर कि जितने स्टेप आप एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी आपको उतने ही स्टेप्स कर रहे हैं। इट्स लाइक ये नहीं है कि आपने इधर 10 कर लिए उधर 15 कर लिए, या मतलब सिमिलर आपको स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसे अपने हैंड को ऐसे पकड़ना है और ये यहां ऐसे इन वाले चिक्स को आपको लेके जाना है पीछे, लाइक दिस। ये करते हुए ना आपके जो मसल्स है ना फेस की, वो भी बहुत रिलैक्स होंगी और आपको बहुत ही रिलैक्सेबल फील होगा, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी फिंगर्स को ऐसे लेना है ऐसे, और यहां ये वाली जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ माउथ कॉर्नर्स के लिए, जिनको स्किन एंटी एजिंग, इट्स लाइक एज बढ़ने की वजह से जिनको यहाँ पे माउथ कॉर्नर्स आ गए हैं, स्किन यहाँ के लटक गई है, उसके लिए स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे आपको ऐसे पिंच करना है, लाइक दिस, ऐसे हल्का सा पिंच करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ऐसे ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, फाइन, ऐसे करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहां से ये वाली फिंगर्स ऐसे करनी है और ऐसे ऊपर तक इसको लेकर जाना है, इट्स लाइक यहां पे आपको छोड़ना है, इससे जिनका ड्रॉपी माउथ है, जिनकी साइन ऑफ एजिंग या रिंकल्स इनके यहां पर आ गए हैं, उनके लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अपने ऐसे हैंड से हर्ट बना लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने हर्ट बना लेना है, लाइक दिस,
और इसको आपने यहाँ ये वाला जो है ये वाली फिंगर्स आएंगी नोज के ऊपर और ये यहाँ पे और ऐसे करना है आपको यू ऐसे लाइक दिस ऐसे। ये वाला जो स्टेप है वो चीक बोन्स को एनहांस करने में चीक बोन्स को लिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात आती है आपके आईब्रोज की और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ना ये आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं लेकिन मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो आपका जो फेस है ना वो बड़ा ही फ्रेश होगा। ठीक है ये वाले स्टेप आप नाइट में भी कर सकते हो लाइक जो नाइट स्किन केयर होती है उसमें भी आप इनको यूज कर सकते हो। ये स्टेप मैं जो आपको बता रही हूँ ना इससे आपके जो लिफ्ट ये जो जिनकी आईब्रोज पे यहाँ पे ड्रॉपी हो जाती है उसको लिफ्ट करने में आपको हेल्प करेगा ऐसे। अब दूसरी तरफ फाइन। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ये फोरहेड के पास ऐसे ऐसे ये फिंगर्स को ऐसे करना है वन बाय वन ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने ऐसे फोरहेड के ऊपर ये ऐसे दोनों फिंगर्स को लेना है और इसको ऐसे पीछे लेके जाना है ऐसे फाइन। और इन द एंड अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जो बिल्कुल एंड में हम करने वाले हैं आपको ऐसे ऐसे टिकलिंग करनी है अपनी स्किन के ऊपर लाइक दिस। यहां से स्टार्ट कर दीजिए ऐसे ऐसे। ये टिकलिंग जो होती है ना इस टिकलिंग की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना ब्लड की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं जिससे हमारी जो स्किन है ना उसके ऊपर ब्लड फ्लो होएगा और उससे हमारी स्किन जो है बड़ी ही फ्रेश रहती है। आप एक बार अभी के भी ट्राई करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं आप अपने फेस में ना इंस्टेंट आपको फर्क दिखाई देगा। और अगर आप अभी एक बात और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फेस योगा फेस मसाज और एंटी एजिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस डालती रहती हूँ जिससे आपको एंटी साइन ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। तो ये है मसाज मॉर्निंग रूटीन में आप इसको इवनिंग में भी ट्राई कर सकते हो। ये कुछ स्टेप हैं जो मैंने आपको बताए हैं फेस मसाज से रिलेटेड इनको आप यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी और रेडिएंट बना सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है बस इन फेस मसाज को ट्राई कीजिए और आप अपनी स्किन में ना अपने आप ही आपको फर्क दिख जाएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बाय बाय।